E2 में ही है सर, नहीं ये अलग है, नहीं ये L, ये तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये इवन साइडेड E2 में है तो ये E2 ही। चलो चौथा रिएक्शन अब क्या होगा, EI आप लोगों का रिएक्शन मैकेनिज्म कितना दिन चला था कुछ याद है? हाँ? आप लोगों का रिएक्शन मैकेनिज्म कितना दिन चला था? जब पढ़ा था तब। ध्यान नहीं है। आपको कुछ भी ध्यान है पुराने है? क्लास का कुछ भी ध्यान है? अब ये नहीं कि कितना मतलब टॉपिक ध्यान है कि कौन सी चीज क्या होती है, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है या बिल्कुल अनकोरा लग रहा है? नहीं सब जाना पहचाना तो सब लग रहा है। ओके दोस्तों अब हम देखते हैं ईआई मैकेनिज्म, दैट इज द एलिमिनेशन इंटरनल। इसमें मेन हमें दो चीज करना है, क्या क्या? एक होता है पाइरोलाइसिस ऑफ एस्टर, ठीक है, और दूसरा हमें करना है कोप एलिमिनेशन। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी पाइरोलाइसिस ऑफ एस्टर कैसे होता है। ओके देखो ध्यान दो, हमारे पास अगर मान लो ये वाला एस्टर है CH3CH2 OC डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है, इसको अगर मैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग करता हूं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो ये बन जाता है अल्कीन प्लस RCOOH, ठीक है। तो पाइरोलाइसिस ऑफ एस्टर में ये वाला रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, बेसिकली ये दो पार्ट में टूट गया, ठीक है। अच्छा अब एक चीज ध्यान दो, पहले बेसिक बातें कर लेते हैं। EI रिएक्शंस proceeds via pericyclic mechanism, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही हमारा साइकिल बनता है। इट ऑकर्स एट very high temperature in absence of any external base. EI reactions proceed by pericyclic mechanism. It occurs at very high temperature in absence of any external base. ठीक है? All right. Okay. So, क्या है इसमें, क्या होता क्या है? ध्यान दो।
ये वाला जो है ये हमारा माइनस आई ग्रुप है, जिस कारण पे ड्यू टू द माइनस आई इफेक्ट ऑफ द एस्टर, ठीक है, बीटा हाइड्रोजन बिकम्स हाईली एसिडिक। एस्टर ग्रुप इटसेल्फ एक्ट्स एज अ, जो एस्टर ग्रुप है वो खुद ही एक बेस की तरह बिहेव करता है यहां पर, ठीक है। सो ध्यान दो, CH2O C double bond O R। सो होता क्या है, सबसे पहले ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर ये वाला हाइड्रोजन के साथ इंटरैक्ट करना चालू करता है, यानी CH2 O C double bond O R। यहां पर है H, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहां पर पार्शियल बॉन्ड जो है वो हमारा क्रिएट होता है, एंड इस कारण पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसका वीकनिंग चालू होती है, और यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी धीरे धीरे क्रिएट होती है, जिस कारण पे ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का पार्शियल वीकनिंग चालू होती है, एंड अब ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पार्शियली बनना चालू होता है, एंड ये वाला बॉन्ड उस कारण पे पार्शियली टूटना चालू होता है। इट ऑल हैपेंस इन अ सिंगल स्टेप, इट ऑल हैपेंस इन अ सिंगल स्टेप। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जैसे ही इंटरैक्शन करना चालू किया, तुरंत कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीकनिंग हुआ, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन कार्बन के बीच में गया, फिर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल बॉन्ड बना, फिर कार्बन ऑक्सीजन में पार्शियल डबल बॉन्ड बना, जिस कारण पे ये वाला बॉन्ड का वीकनिंग हुआ। एवरीथिंग हैपेंस एट अ सिंगल स्टेप, सो दिस इज द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेप। नाउ दिस बॉन्ड इज कंप्लीटली फॉर्म्ड, दिस बॉन्ड इज ब्रोकन, दिस बॉन्ड इज कंप्लीटली फॉर्म्ड, दिस बॉन्ड इज ब्रोकन, दिस बॉन्ड इज कंप्लीटली फॉर्म्ड एंड दिस बॉन्ड इज ब्रोकन। यानी हम इसको ऐसे यहां पर दिखाएंगे, ये इसको स्नैच किया तो ये यहां पर कूदा तो ये यहां पर आया। सो क्या बन गया, RCOOH एक तरफ बन गया और दूसरी तरफ बन गया CH2 double bond CH2। राइट, अच्छा अब यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, यहां पर बट एक बात ध्यान रखना, जो दैट हाइड्रोजन विल बी एब्स्ट्रैक्टेड विच इज मोर एसिडिक
इन नेचर। वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा जो कि ज्यादा एसिडिक होगा नेचर पे, ठीक है। यानी अगर हम लोग एक बात समझे, तुम्हारे पास है CH3CH2CHOCOR और साथ में है CH3। सो ऑब्वियस सी बात है, ड्यू टू ये वाला CH3 का प्लस आई, यहां का हाइड्रोजन में डेल्टा प्लस होगा, तो यहां का हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस प्लस होगा। यानी जब मैं यहां पर गर्म करूंगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग जब मैं करूंगा, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH3 इधर वाला हमारा माइनर बनेगा, प्लस CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2 ये हमारा मेजर बनेगा, प्लस RCHH तो दोनों केस पे ही बनने वाला है। सो हॉफमैन एल्कीन इज मेजर। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके अलावा और क्या है? इन EI काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन विल बी ग्रेटर देन ड्यूट्रियम। The rate of abstraction of hydrogen will be greater than that of deuterium. ठीक है, ओके। सो क्या होगा यहां पर हमारे पास? ध्यान देना, अगर मान लो CH2 COR है, ठीक है, इसको अगर मैं हीट करूंगा, सो इन दैट केस H पहले उड़ेगा, यानी CH2 ये हमारा मेजर है, प्लस CHD वो हमारा माइनर है। ये मेजर है और ये हमारा माइनर है, ठीक है, ओके, राइट। अच्छा, EI इज अ यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, रेट इज इक्वल्स टू के इनटू जो हमारा रिएजेंट है वो। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, EI इज ऑलवेज अ सिन एलिमिनेशन। ये हमारे सिलेबस का वन ऑफ द ओनली सिन एलिमिनेशन है, बाकी सब एंटी होता है, ये वाला जो है ये हमारा सिन है। यानी
AI occurs in the eclipsed form. AI occurs in the eclipsed form. ये हमारा staggered form पर नहीं होता है, हमारा eclipsed form पर होता है. यानी ध्यान दो, ओ सी डबल बॉन्डो इसको अगर मैं हीट किया, इसको अगर मैं हीट किया तो क्या होगा प्रोडक्ट? अच्छा, जाएगा तो हाइड्रोजन ही जाएगा, तो यहां पे हाइड्रोजन ही, ड्यूट्रियम नहीं. सो अगर मेरा हाइड्रोजन जा रहा है तो मुझे हाइड्रोजन को इक्लिप्स फॉर्म पे लाना है. चलो यहां पर देखने का आसान तरीका है, तुम्हें सॉल्ट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिशर से डायरेक्ट तुम न्यूमैन ही बना दो, ठीक है ना? तो सामने वाले पे ऊपर डी, इधर एच, इधर ओ सी ओ सी एच थ्री, और इसके साथ एच, एच के साथ एच, डी के साथ डी. ये इक्विस फॉर्म में एलिमिनेशन होगा, तो दिस पार्ट इज गॉन. तो जो डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा? सी डबल बॉन्ड सी, डी और डी एक साइड पर, एच और एच एक साइड पर. दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट. तो ईआई एलिमिनेशन पे सिन एलिमिनेशन ही होगा, क्योंकि मेन फंडा ये है. Try to realize, अगर ऐसा सिचुएशन है, मान लो चलो बीटा ब्लॉक करता हूं इधर से, तो OCOCH3 है मान लो, यहां पर H है, यहां पर D है, यहां पर H है. भाई ये वाला तो पीछे की साइड में पेरिसाइक्लिक बना ही नहीं पाएगा. यानी इसको अगर मैंने हीट किया, द पेरिसाइकल फॉर्म्ड वाया ट्रांस ग्रुप विल बी हाईली स्टेरिकली हिंडर्ड. द पेरिसाइकल फॉर्म वाया ट्रांस ग्रुप विल बी हाईली स्टेरिकली हिंडर्ड. हाईली स्टेरिकली हिंडर्ड मतलब, उससे बेटर एक वर्ड दे सकता हूं मैं, सॉरी, हाईली स्ट्रेन्ड. तो इसको मजबूरी में अब यहां पर डी ही उठाना पड़ेगा, वो एच तो उठा ही नहीं सकता है. तो यहां पर प्रोडक्ट जो बनेगा, दिस इज द ओनली प्रोडक्ट, और कोई प्रोडक्ट यहां पर बनेगा ही नहीं. क्लियर? हो गया? टाइम कितना हुआ अभी? 2:10 हो गया क्या? 2:11 कहां तक लिखे हो? ये पूरा डायग्राम वहां से बनाया है. यहां तक हो गया? हां, तो फोटो खींच लो फटाफट फटाफट. ये अब कॉपी एलिमिनेशन करके जाते हैं यार. कॉपी एलिमिनेशन करके अब जाते हैं, वहां पे क्लास है.
रट्टा कैसे मारोगे रट्टा कैसे मारोगे सर, चीजें समझ में जैसे क्वेश्चन हो जाएंगे लेकिन पढ़ाने के लिए सर ऐसे आप बिना देखे कब बोलते जा रहे हो सब कुछ, उसके लिए रट्टा मारना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो हो जाएंगी, मतलब समझ के हो जाएंगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट नहीं हूं मैं, टीचर। ओके, सो नेक्स्ट एलिमिनेशन इज अ कूप एलिमिनेशन। तो कूप एलिमिनेशन क्या होता है? गिवन बाय ट्राई अल्काइल अमाइंस। उसका ऑक्साइड यानी ट्राई अल्काइल अमाइन ऑक्साइड क्या होता है बेसिकली? ट्राई अल्काइल अमाइन मतलब मान लो R3N और इसको ऑक्सीडाइज कर दो किसी भी चीज के सहारे, यानी कोई भी पर एसिड चलेगा, ठीक है, या फिर Ag2O हीट चलेगा, कोई भी परोक्सी एसिड CF3C3OH, या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम होता है MCPBA, ये एक बहुत ही फेमस नाम है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। मैं यहां पे साइड में लिख दे रहा हूं MCPBA, ये एक फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो दिस MCPBA, अगर मैं ये डालता हूं तो ये ऑक्सीडाइज करता है कोई भी परोक्सी एसिड, उसको कर सकता है, या फिर Ag2O हीट भी उसको कर सकता है। तो दैट इज अ ट्राई अल्काइल अमाइन ऑक्साइड, ठीक है, राइट। तो कंसिडर CH3 NCH3 O- CH2CH3। अच्छा, इन दोनों में तो बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वहां पे जैसे हम लोगों ने क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट के लिए देखे थे, यहां पर भी बीटा कंप्लीटली ब्लॉक्ड है। अगर मैं इसको हीट करूंगा तो एग्जैक्टली वैसे ही पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म के थ्रू ये वाला हाइड्रोजन पर अटैक, ये वाला बॉन्ड यहां पर जंप एंड दिस मूव्स आउट, तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 OH, ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो हमारा बन जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द ट्राई अल्काइल अमाइन ऑक्साइड का एलिमिनेशन, इसको हम लोग कोप एलिमिनेशन बोलते हैं। नाउ इट इज ऑल्सो एन EI रिएक्शन, तो दैट इंप्लाइज इट इज ऑलवेज अ सिन एलिमिनेशन। अच्छा, मेजर प्रोडक्ट will be according to more acidic
हाइड्रोजन, ठीक है, द मेजर प्रोडक्ट विल बी अकॉर्डिंग टू द मोर एसिडिक हाइड्रोजन. सो क्या है, अगर मान लो ये है हमारे पास और इस पर मैंने डाल दिया Ag2O heat and that followed by strong heating. What is going to be the major product? So, NME2 इस पर Ag2O heat डाल देने पर प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा? अब इसके पास दो हाइड्रोजन है बीटा पोजीशन पर, ये इसका अल्फा, इसका बीटा में दो हाइड्रोजन है, ये वाला और एक ये वाला, तो उसके करेस्पॉन्डिंग हमें दो प्रोडक्ट मिल जाएगा. Now, ये वाला 3 डिग्री कार्बन आयन है तो कम स्टेबल है, सो दिस वन विल बी माइनर एंड दिस वन विल बी मेजर. दिस वन विल बी माइनर एंड दिस वन इज गोइंग टू बी मेजर, ठीक है, राइट, ओके. अच्छा, तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान दो. यहां पर है H, यहां पर है D और यहां पर एग्जैक्टली उल्टा है, यहां पर है डी, यहां पर है एच. एंड नाउ इस पर मेरे पास ऑलरेडी वेज पर जो है दैट इज एन एम ई टू. और इस पे क्या है, एक बार मैंने पहले डाला MCPBA और फिर किया स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा मेजर? और दूसरी बार MEI डाला और फिर Ag2O हीट डाला तो क्या प्रोडक्ट बनेगा मेजर? ओके, ध्यान दो. अगर मैंने MCPBA डाला तो क्या बनेगा? ये वेज, ये डैश, NO माइनस MEME, H, और यहां पर D. अब ध्यान दो, क्योंकि ये सिन एलिमिनेशन है, ये वेज है, या तो ये वाला हाइड्रोजन जाएगा या तो ये वाला ड्यूट्रियम जाएगा, तो जाएगा इन दोनों में काइनेटिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग ऊपर वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला डी पे तो हाथ भी नहीं लगेगा, तो प्रोडक्ट जो बन जाएगा यहां पर हीटिंग से, ऊपर वाला हाइड्रोजन गया यहां पर डी, यहां पर एच, डी और एच, ये मेजर बनेगा
और दूसरा एक और ही प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर H यहां पर D, ये माइनर बनेगा। ध्यान दो, ये D और ये वाला H पर तो हाथ भी नहीं लग सकता है। अगर मैं यहां पर जब MEI डालूंगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, बनेगा क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। और क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट का जो है ये तो हमारा EI था, इसलिए सिन एलिमिनेशन है। ये वाला जो एलिमिनेशन होगा वो क्या होगा, E2 होगा, इवन से डिसाइडेड, एंड क्या होगा, एंटी होगा। ठीक है, सो क्या आएगा हमारे पास, NME3 प्लस, यहां पर है H, यहां पर है H, यहां पर है D, ये बन जाएगा। एंड नाउ अब एंटी में ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ड्यूट्रियम पे ही हाथ लग सकता है, बाकी वेज वाले पे तो हाथ भी नहीं लगेगा। तो मेजर जो होगा ऊपर एज इट इज रहेगा, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर डी और एच लगेगा, दिस इज मेजर, प्लस यहां पर जो दूसरा वाला माइनर प्रोडक्ट बनेगा, अगर ये वाला डी गया तो एच एच सो दिस वन इज गोइंग टू बी माइनर। सो दैट इज ऑल अबाउट EI मैकेनिज्म, ज्यादा यहां पे करने की जरूरत नहीं है, जितने भी काम की चीजें थे वो सारे के सारे हमने कर लिए हैं। तो बीटा एलिमिनेशन जितने हो सकते थे वो सारे हमने यहां पे खत्म कर लिए हैं। अब होगा फ्री रेडिकल एलिमिनेशन और स्पेशल केस अल्फा एलिमिनेशन, लेट्स सी। हो गया